पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत आज छोटी आवाज के बड़े मंच से करनी है। पटियाल यूं ही नहीं कहता, किसान हो या स्टूडेंट्स, पब्लिक इंटरेस्ट में हर किसी की आवाज उठाई जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की इस तस्वीर को देखिए। इंसाफ के लिए एक किसान सरकारी दफ्तर में लेट लेट कर परिक्रमा कर रहा है। वायरल वीडियो में यह दावा किया गया है कि किसान शंकरलाल की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, तो इसकी शिकायत करने के लिए वो मंदसौर कलेक्ट्रेट पहुंचा। जनसुनवाई चल रही थी, किसान लेट लेट कर प्रोटेस्ट करते हुए अफसरों तक पहुंचा। किसान पहले भी अधिकारियों से इस मामले की शिकायत कर चुका था, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं थे। किसान को उसकी खराब फसल का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए परेशान होकर किसान जब गुहार लगाकर थक गया, उसने प्रशासन के आंख और कान खोलने के लिए ये तरीका अपनाया। श्री शंकरलाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाया है, समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें, या फिर उसके संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिस पे हम कार्रवाई कर सकें। और जहाँ तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे, 1/2 खुद की वाली पे भी, और जो बेचा गया है उनके सह खातेदारों द्वारा, जो उनके परिवार के अन्य मेंबर हैं उनके द्वारा जो बेची गई है, उस पे भी अभी आवेदक शंकरलाल जी का ही कब्जा है। तो अभी वही खेती करते आ रहे हैं, कब्जा भी इन्हीं का है। जो विक्रय की गई है उसके संबंध में क्योंकि रजिस्ट्री हुई है और नामांतरण हुआ है, तो वो उसके संबंध में यहाँ से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।